Today we will discuss the first chapter of history book of class 9th. And the name of the chapter is The French Revolution. At first we will discuss the heading, that is the French Revolution. French means of France, and revolution is the term that we use when a large number of a country just stood against the government. जब किसी देश के citizens बहुत बड़ी संख्या में उस देश की government के against में खड़े होते हैं, यानी protest करते हैं, किस लिए? उस government को overthrow करने के लिए, ठीक है? They don't want that government and they want to replace it. तो वहाँ पर जो protest होता है, that is called, तो उसके लिए word use करते हैं revolution. अच्छा, एक चीज़ और उसमें ऐड कर देना, जब ये अटेम्प्ट होती है गवर्नमेंट को रिप्लेस करने की, तो उसमें वायलेंट एक्शन भी इन्वॉल्व होता है. वेट अ मिनट, लेट मी जस्ट राइट हियर. तो उसमें क्या होता है, वायलेंट एक्शन भी इन्वॉल्व होता है. वायलेंट एक्शन, तब हम लोग टर्म यूज़ करते हैं रेवोल्यूशन. वेट अ मिनट, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन. दिस वन इज़ द बेटर. ओके, वायलेंट एक्शन. तो अब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि फ्रांस में जो रेवोल्यूशन हुआ था उसके पीछे कारण क्या था. वट वर द कॉजेज ऑफ दैट रेवोल्यूशन. वन मोर थिंग यू मस्ट ऐड इन दिस लेशन, यू मस्ट नो रिगार्डिंग दिस टर्म रेवोल्यूशन. ये जो रेवोल्यूशन जब भी होता है तो जनरली किसके अगेंस्ट होता है, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मोनार्कियल फॉर्म. मोनार्क मीन्स किंग, जहाँ पे किंग वाली सिस्टम होती थी. और जनरली ऐसी गवर्नमेंट जो होती थी वो क्या होती थी, एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट. जस्ट अंडरस्टैंड द टर्म एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट. एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता था पहले के सेंस में, वैसे गवर्नमेंट के लिए या रूल के लिए जिसमें जो गवर्नमेंट होती थी वो सेंट्रलाइज्ड होती थी. सेंट्रलाइज्ड, मिलिटराइज्ड, रिप्रेसिव. ओके, और पावर वो सेंट्रलाइज्ड थी तो ऑब्वियसली पावर वो अपने हाथ में रखती थी. और रिप्रेसिव इस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया गया कि मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती थी जनरली क्या होती थी कि कभी भी लोगों को फ्रीडम नहीं देती थी, ठीक है, उनके एक्सप्रेशन के लिए, या एक इक्वल फॉर्म ऑफ राइट्स नहीं मिलते थे. इक्वल फॉर्म नहीं कह सकते, उसको बोलोगे इक्वलिटी बिफोर द लॉ भी नहीं था. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. इसमें हम देखेंगे कि फ्रांस में जो रेवोल्यूशन हुआ उसका इमीडिएट रीज़न क्या था. बहुत सारे रीज़न थे और अल्टीमेटली इस रेवोल्यूशन ने क्या किया, एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग. ओके, सो शुरुआत हुई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन की. फर्स्ट डेट, द डेट वॉज 14th July एंड द ईयर वॉज 1789. ओके, किस डेट को शुरुआत हुई थी इसकी, 14th July 1789 को. उस दिन सुबह क्या हुआ, ऑन द मॉर्निंग 14th July 1789 द सिटी ऑफ पेरिस वॉज इन अ स्टेट ऑफ अलार्म. इनफैक्ट इट वॉज नॉट द सिटी दैट वॉज इन अलार्म, इनफैक्ट इट वॉज द पीपल ऑफ दैट सिटी हु वर इन अलार्म. रीज़न क्या था, तो रीज़न ये था कि वहाँ के किंग ने, एंड वट वॉज द नेम ऑफ द किंग, लुइस 16. आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है. Louis XVI means the king had commanded troops to move into the city. ठीक है, उसने अपनी सेनाओं को कहा कि उसको पेरिस में जाना है. और rumors spread that he would soon order the army to open fire upon the citizens. इतना ही नहीं, तो सैनिक जब पेरिस के शहर में एंटर किए तो कुछ लोगों ने ये rumor भी फैलाया, ये rumors चारों तरफ फैल गई कि जल्दी ही किंग क्या करेंगे, सिटीजन्स को शूट करने का ऑर्डर भी देंगे. इससे क्या हुआ, तो इमीडिएटली 7,000 मेन और वेमेन वहाँ पे गैदर्ड हुए. कहाँ पे गैदर्ड हुए, गैदर्ड मीन्स गेट कलेक्टेड इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल. टाउन हॉल के सामने वो कलेक्ट हुए एंड डिसाइडेड टू फॉर्म अ पीपल्स मिलिशिया. उन्होंने अपनी फौज तैयार करने का डिसाइड किया. किस लिए, टू वॉट, टू फेस द किंग्स आर्मी.
और इसके लिए चूंकि मिलिशिया उन लोगों को तैयार करनी थी, दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, और वो इसके लिए कहाँ पे एंटर किए, ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, बहुत सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में वो इलीगली एंटर किए इन सर्च ऑफ आर्म्स। उनको ये उम्मीद थी कि वहाँ पे उनको क्या मिलेंगे, हथियार मिलेंगे, ठीक है, जिससे वो किंग का जो ट्रूप्स है उसका वो उसको फेस कर पाएंगे, उससे फाइट कर पाएंगे। अब यहाँ पर एक टर्म समझ लेना, ये बहुत ही कॉमन फ्रेजल वर्ब है जो इंग्लिश में, साइंस में, साइंस में तो हमेशा नहीं आ सकता है, लेकिन सोशल साइंस में, हिस्ट्री में या सिविक्स में ये टर्म आएंगे, और इंग्लिश में तो हमेशा ये टर्म आते हैं, ये फ्रेजल वर्ब आता है। ब्रेक इन टू का यूज़ हम कब करते हैं, इट्स अ फ्रेजल वर्ब, जब कोई भी कहीं पे इलीगली एंटर करता है तो वहाँ पर हम लोग टर्म यूज़ करते हैं ब्रेक इन टू। ओके, ब्रेक इन टू मीन्स टू एंटर समवेयर इलीगली, जब आप कहीं पे बिना परमिशन के एंटर करते हो और विथ नॉट अ गुड इंटेंशन, तो वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं ब्रेक इन टू। ओके, अब देखो, फाइनली अ ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल मार्च टूवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी। उसके बाद अ ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल, सैकड़ों की संख्या में लोग किस तरफ बढ़े, मार्च टूवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी। ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी मीन्स पेरिस के ईस्टर्न साइड, पेरिस के इंटर वेस्ट ईस्टर्न साइड में। यहाँ पर एक चीज़ समझ लो, जैसे देखो, मान लो मैंने यहाँ पे, सपोज दैट दिस इज़ अ पेरिस, ठीक है, इसका मैप है, ऐसा मैप नहीं होता, ओनली टू जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड द डायरेक्शन। तो ईस्टर्न साइड में ये क्या चीज़ है, नॉर्थ है, ये तुम्हारा हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट, एंड दिस वन इज़ ईस्ट। तो पेरिस के ईस्टर्न पार्ट के, ईस्टर्न पार्ट ऑफ सिटी में लोग एंटर किए एंड स्टॉर्म्ड द फोर्ट्रेस प्रिजन द बेस्टाइल। उस समय बेस्टाइल जो था वो क्या था, फोर्ट्रेस प्रिजन, मतलब किले को ट्रांसफॉर्म कर गया था किस चीज़ में, जेल में। तो वहाँ पर वो एंटर किए, वेयर दे होप्ड टू फाइंड होडेड एम्यूनिशन, जहाँ पर उनको उम्मीद थी कि उनको बहुत सारे हथियार मिलेंगे, गोला बारूद, एवरीथिंग दे विल गेट, ओके, दैट वुड हेल्प देम टू फेस द किंग्स ट्रूप्स। तो इसलिए वो वहाँ पर गए इन द आर्म्ड फाइट, और ऑब्वियसली वहाँ पर फाइट हुई किस किस से, जो भी फोर्ट्रेस प्रिजन में जो भी कमांडर्स थे, जो भी सोल्जर्स थे, उनसे, सोल्जर्स नहीं बोलेंगे, ट्रूप्स यूज़ करोगे। इस आर्म्ड फाइट में क्या हुआ, दैट फॉलोड, मतलब जब वो लोग एंटर किए उसके बाद क्या हुआ, फाइट हुई, और उस फाइट में कमांडर ऑफ द बेस्टाइल, बेस्टाइल का जो कमांडर था वो मारा गया, वॉज किल्ड, एंड द प्रिजनर्स रिलीज्ड, और प्रिजनर्स जो भी वहाँ पे कैदी थे, प्रिजनर्स रिलीज्ड, कैदी को उन लोगों ने रिहा करवाया। However, देखो, though there were only seven of them, लेकिन उस fortress prison में सिर्फ कितने prisoners थे, seven, फिर भी, yet the Bastille was hated by all, फिर भी क्या था, Bastille जो fortress prison था उसको, उससे हर कोई नफरत करता था, okay? So, यहाँ पर क्या है, here it is being said that the Bastille was hated by all, हाउएवर वहाँ पे सेवन प्रिजनर्स ही थे, फिर भी बेस्टाइल से लोगों को नफरत था, लोग उससे नफरत करते थे। व्हाट वाज द रीज़न फॉर दैट, बिकॉज इट स्टूड, स्टूड यह किस चीज़ का सिंबल था, स्टूड फॉर द डिस्पॉटिक पावर ऑफ द किंग। व्हाट डज इट मीन डिस्पॉटिक पावर ऑफ द किंग, तो डिस्पॉटिक टर्म समझने के लिए एट फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड डिस्पॉट, डिस्पॉट किसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं, तो डिस्पॉट यूज़ करते हैं ऐसे रूलर के लिए जिसके पास बहुत शक्ति हो, लेकिन वो अपने पावर को कैसे इस्तेमाल करता है, स्पेशली वन हु यूजेस इट इन क्रूअल वे, क्रूअल वे, जो बहुत ही क्रूरता से अपने पावर का इस्तेमाल करता है, तो दैट इज़ का, उसको बोलते हैं डिस्पॉट, एंड डिस्पॉटिक मीन्स दैट इज़ रिलेटेड टू डिस्पॉट। सो बेस्टाइल वॉज हेटेड बाई ऑल बिकॉज उनको लगता था कि यह किस चीज़ को रिसम्बल करता है या सिंबलाइज करता है डिस्पॉटिक पावर ऑफ द किंग का। द फोर्ट्रेस वॉज डेमोलिश्ड, फोर्ट्रेस को उन लोगों ने गिरा दिया, डेमोलिश्ड यानी किसी चीज़ को तोड़ के गिरा देना, डेमोलिश्ड एंड इट्स स्टोन फ्रैगमेंट्स, और इसके जो फ्रैगमेंट्स थे फोर्ट्रेस को टूटने के बाद जब ये गिरा तो इसके फ्रैगमेंट स्टोन्स जो थे उसको मार्केट में सोल्ड किया गया, वर सोल्ड इन द मार्केट्स टू ऑल दोज, उन लोगों ने उसको खरीद दिया जो इस
ऐसे स्टोन को कैसे रखना चाहते थे? हु विश टू कीप अ सुवीनियर सुवीनियर ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन. सुवीनियर इसको बोलेंगे, जो मेमोरी के रूप में इसको रखना चाहते थे. ओके नाउ सी, अब क्या कहा जा रहा है कि उसके बाद की जो घटनाएं थी, ठीक है, फोर्ट्रेस प्रिजन में लोगों का वहाँ पे ब्रेक इन टू करना यानी वहाँ पे इलीगली एंटर करना. आफ्टर दैट सो मेनी थिंग्स हैपन द डेज दैट फॉलोड. उसके बाद के भी दिनों में क्या हुआ? मोर राइटिंग हुई. राइट मतलब बहुत ज़्यादा क्लैशेस हुए बोथ इन पैरिश एंड द कंट्री साइड. ऑब्वियसली किसके बीच में राइट हुए होंगे? तो किंग्स के ट्रुप्स के बीच में और लोगों के बीच में. मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द किंग, ठीक है, सॉरी नॉट किंग, अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड. मतलब फ्रांस में कीमतें बहुत बढ़ती जा रही थी खाने का. और देखो एक चीज़ आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इसके पीछे हाउ किंग वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस, वो कैसे रिस्पॉन्सिबल था. मच लेटर व्हेन हिस्टोरियंस लुक्ड अप बैक अपॉन दिस टाइम, जब बाद में एनालिसिस किया गया हिस्टोरियंस के द्वारा इस फ्रेंच रेवोल्यूशन का, तो वो कहते हैं, हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये जो शुरुआत की घटना थी ये तो सिर्फ शुरुआत, मतलब दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ अ चेन ऑफ इवेंट्स. उसके बाद चेन ऑफ इवेंट्स होने वाले थे, मीन्स बहुत सारे सीरीज ऑफ इवेंट्स उसके बाद हुए, तो ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी. तो हिस्टोरियंस इसको कैसे देखते हैं? दे शॉ इट एज द बिगनिंग ऑफ अ चेन ऑफ इवेंट्स दैट अल्टीमेटली लेड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग इन फ्रांस, जिसका फाइनल अल्टीमेटली मतलब फाइनली क्या हुआ था? एग्जीक्यूशन हुआ था किंग का, फ्रांस के किंग का. द मोस्ट पीपल एट द टाइम, हालांकि उस समय लोगों ने ये एक्सपेक्ट ही एंटिसिपेट ही नहीं किया था, तो मोस्ट पीपल एट द टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट दिस आउटकम, इस ऐसा होगा मीन्स किंग वुड बी एग्जीक्यूटेड. नो वन थॉट एट दैट टाइम कि ऐसा इसका कंसिक्वेंसेस भी हो सकता है, इसका आउटकम रिजल्ट ये होगा. तो अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे इस लेशन में कि हाउ एंड वाई डिड दिस हैपन, अगर ये हुआ तो कैसे हुआ और क्यों हुआ. ओके okay?